नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। चिनोह तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरीद केंद्र करहिया पर 300 किसानों से 60,000 कुंटल खरीदी करना है। आज तक 20,000 कुंटल खरीद हो चुकी है। इधर दुभा खरीद केंद्र पर 210 किसानों से 50,000 कुंटल खरीदी करना है। आज तक 19,000 कुंटल खरीद हो चुकी है, फिर भी किसानों को अपने गेहूं तुलने के लिए 4 से 5 दिन तक रुकना पड़ रहा है। इंतजार दोनों सेंटरों पर गेहूं से भरी 200 के लगभग ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है। चिनोह से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। आपका प्रताप सिंह कौरव। ये करहिया खरीद केंद्र पर तुलाई किस तरीके से और कैसे हो रही है? बढ़िया चल रही है सर। पहले तो एक दिन में उसी दिन मैसेज आया था, उसी दिन तुले गई थी। हाँ, अब गांव ज़्यादा बढ़ा दिए, 20-25 गांव हो गए हैं। हाँ, तो अब 3-4 दिन में नंबर आ रहा है। तो कितने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ वर्तमान में खड़े हैं? खड़ी होंगी सर 100-150 ट्रैक्टर ट्रॉली होंगी। अच्छा, कितने कांटे चल रहे हैं? और 6 कांटे चल रहे हैं। मेरा नाम राकेश रावत है। आपके द्वारा खरीद की जा रही है? हाँ, मेरे द्वारा मैं खरीदी करवा रही। तो भैया, ये इतनी ट्रॉलियाँ इकट्ठी क्यों हो पा रही हैं और किस वजह से क्यों ट्रॉल नहीं हो पा रही है समय पर? ये हो रहा है, उनके पंजीयन है 250-300 के। अब एक 300 का एक पंजीयन तोलेंगे तो 4-5 ट्रॉली बनती हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा हो रही है। समस्या ये आ रही है, अगर मैसेज अगर 60 का या 70 कुंटल का आता तो एक दिन में इतनी भीड़ नहीं होती थी। हाँ, अब और कुंटल का, अब कुंटल का हिसाब है, 400-500 कुंटल का आ रहा है, किसान एकदम तो ला रहा है, इसलिए भीड़ इकट्ठी ज़्यादा हो रही है। अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि लेबर और कांटे की व्यवस्था करी जा रही है। अभी वर्तमान में कितने कांटे चल रहे हैं आपके द्वारा? 6 कांटे चल रहे हैं अभी। तो 6 कांटों पर कितनी तोल हो जाती है लगभग? 6 कांटे पर 2000 के लगभग तुल जाता है, डेली हो रहा है।